हाथ फेरे भर लू बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। सो भाई लोग, बाइक मंगवाई है मैंने, अपने राइडिंग गियर्स मंगा लिए, बिकॉज आज टाइम है एक राइड का। बिकॉज एक तो आज सनी मौसम नहीं है, वो मौसम भी अच्छा है, मॉनसून सा हो गया आज तो। आज रेनी सी रेनी होगी, आज रेन रेन सी होगी, तो इसलिए आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है राइड का माहौल बन सकता है। तो अभी चलते हैं, पहले फ्यूल अप कराते हैं। फ्यूल नहीं है गाड़ी में, कल इसकी सर्विस अच्छे से कर दी थी, एयर फिल्टर्स वगैरह सब चेंज हो गए हैं, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो चुकी है। एंड एक तो गिल्ली रोडों में ना मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है। तो मैं डेट और टाइम तो बताना भूल ही गया। सो आज डेट है 27th of April 2024 एंड टाइम हो रहा है लगभग 11:21 इज द शायद से, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 11:04 इज द टाइम इज द, एंड पहले इसका फ्यूलिंग कराते हैं, फिर मैं आपको आगे का एजेंडा बताता हूँ। आगे का एजेंडा तो नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए जा रहा हूँ। वो प्लानिंग्स क्या हैं क्या नहीं है वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा एक किसी और ब्लॉग्स में। बट हाँ अभी की बात बताऊँ तो अभी हमें जाना है पहले फ्यूलिंग कराने, फ्यूलिंग के बाद मैं अभिषेक को उठाऊँगा, अभिषेक को उठाने के बाद मुझे कुछ सामान देखने जाना है, कुछ चीज़ देखने जानी है, कुछ नया परचेज़ हो रहा है आप सभी के लिए। तो वो परचेज़ करने के बाद, वो परचेज़ देखने के बाद हमें हो सकता है एक शोरूम में जाना पड़े टू चेक फॉर द सर्विस रिकॉर्ड्स। तो ये सब काम है, बाकी चलते हैं और देखते हैं इन सब चीज़ों का। आज काम, आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज एक बिजी हेक्टिक स्केड्यूल रहने वाला है। ऑफिस की आज कुछ नहीं है, ऑफिस में आज कुछ काम नहीं है, तो सोचा यही काम निपटा लूँ। दो जगह जाऊँगा मे बी मोस्ट प्रोबेबली। तो ईवॉक्स सेल करी थी, उसका रिप्लेसमेंट हम लोग, रिप्लेसमेंट तो नहीं कहूँगा बट हाँ उसकी जगह पे जो खाली जगह है उसकी जगह भरने के लिए कुछ खरीद रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट बट इट इज़ अ यूज़ केस व्हीकल, नॉर्मल फुल टैंक ना नॉर्मल। सो 73.2। सो भाई लोग फ्यूल अप करा लिया है, फुल टैंक का, अब चल रहे हैं हम अभी के शेख के पास। अभी अभिषेक भाई कहाँ से आ गई इतनी भीड़ है, और कोई सा रुक के राजी नहीं हो रहा। चल भाई चलने के पैसे लेगा भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। हाँ चल के राजी नहीं हो रहा, ऊपर से देख रहा घूर के। शुक्र बोलेरो वाले भाई ने रोक ली। कुछ कुछ बोले, कुछ कुछ टैक्सी वाले अच्छे भी होते हैं यार गाइस, ऐसे नहीं है कि सभी बुरे होते हैं। क्या बोला तूने? हमारा भाई आज सूरज कहाँ से उग गया जो आपने तारीफ कर दी टैक्सी वाले कमर्शियल गाड़ी वालों की। मानो भाई साहब ये देखो जूते का हाल देखो, काले से सफ़ेद बनने वाला है बस आज, या फिर ब्राउन। मैं देश में इतने गड्ढे क्यों हैं, पॉटहोल्स में पानी जमा होता है, फिर वो पानी के छींटे मेरे जूते पे पड़ जाते हैं, फिर मेरे शूज़ ब्लैक से हो जाते हैं ब्राउन। हेलो डॉगो, ये देख फॉरन कैसे बजाते हुए चल रहा। हाँ ये कर लो पहले। आज मैं सुबह सोच रहा था कि सुबह आज राइड पे जाऊंगा सल्फर पूल की तरफ, बट साला सुबह भी आंधी तूफान इतना चल रहा था कि मन ही नहीं हुआ जाने का। एक तो इस अभिषेक को कहना पड़ेगा भाई तू घर ले अपना, कहीं कैनाल रोड जाखन में कहीं रहता भी तो। ये देख और बीच में लगा देता। देखो गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, कंडक्टर था केवल, बट जो सेटिस्फेक्शन मिला ना बोल के उसका कोई जवाब नहीं था। शाबाश बेटा, सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता है, और कुछ मिले ना मिले। एक इसके क्लच में क्या हो रहा है यार, ये इतना लूज क्यों हो रहा है ये, और ये ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि डाउन हो गया ये क्लच। बाइक किसी ने गिरा तो नहीं दी मेरी,
अब किसका फोन आ गया यार भाई, इसका मैंने ये वाला रीसेट नहीं मारा यार, ये रीसेट मार दूँ क्या आज? भूल गया ये सर्विस का इंडिकेटर, रीसेट नहीं मारा। चलो माना भाई मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये कैनाल रोड वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या हो गया यहाँ पे? पंसल फोर्ड यार, ये मिल जाती है ना एंडेवर 3.2 4x4 में, यार मज़ा आता गाड़ी में। मानो भाई यहाँ पे थोड़ा सा आराम से करो, इंटरसेक्शन है। अबे इसके हॉर्न में क्या हो गया? अरे गाय माता जी, सॉरी गलत ही बोला करो मानो भाई तुम। इसके हॉर्न में क्या हो गया? मानो भाई यहाँ से निकल जाए यार, इसे निकलते हैं। चलो अब हॉर्न के बिना मैं कैसे चलूँगा यार, ये तो बड़ी दुविधा होगी मानो भाई तुम्हारे साथ में। अरे अरे ये क्या हो गया, ये कौन आ रहा सामने से, किसने किसको उठाना है, कौन सा जनरेटर उठा है आज भाई लोग? इससे ना जनरेटर वो टॉप की मंजिल पे पहुंच जाता है इससे, और इसका किराया भी ठीक ठाक है। तेरे नसीब में, चलो भाई लोग मिलता हूँ थोड़ी देर में अभिषेक के पास पहुँच के। One hour later. तो भाई लोग अभिषेक को उठा लिया, अभिषेक हेलो करो भाई इसको। तो अभिषेक को उठा लिया है एंड अब हम जा रहे हैं कहीं दूर अपने नए कार्यस्थल पर। अच्छा बता दिया इनको? नहीं। ओके तो हम चल रहे हैं अभी काम नंबर फर्स्ट वाला काम, प्राइमरी काम करने ही जा निकल रहे हैं। आई नो बहुत देर हो गई है, व्लॉग नहीं किया था मैंने, करीबन आधा घंटा हो गया है। टाइम क्या हो रहा है अभिषेक भाई? टाइम हो रहा गलत, देख के बता गलत ही टाइम हो रहा क्या है? या पहले ये काम कर ले तब कर लेने डिस्टिल्ड वाटर 12-6 पहले यार ले ही लो, छोड़ ना चल फालतू को करनी दिक्कत। 12:12:6 हो रहा है टाइम इज द एंड वी हैव एंटर्ड द लक्कड़ मंडी इज द, यहाँ से लेता हूँ मैं अपने घर की ले लकड़ी, मेरे वेंडर यही हैं। चलो भाई लोग मिलता हूँ, काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद मिलूँगा आप लोगों से, आ रखा हूँ किसी काम से, बताऊँगा जब काम ख़त्म हो जाएगा तब, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ तो वो होता ही नहीं है। सही बात है। अरे यहाँ लद्दाख का वाटर क्रॉसिंग का बन गया यहाँ, मेरे वाटर क्रॉसिंग बनी है फिलहाल तो यार, बड़ी फ्लैट वाटर क्रॉसिंग है। सोच ऐसे में किसी गड्ढा हो जाए अचानक से। 2000 years later. So, अभिषेक को भाई लोग घर छोड़ दिया है। काफ़ी टाइम बाद हमने ट्यूब चलाई अपनी एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। ओके गाइस, ओके माना भाई, भाई का वो खुला हुआ पीछे से ढक्कन। बारिश लग गई है फिर से लग गई है बारिश, बारिश लग गई है फिर से लग गई है बारिश। अरे मानो भाई कहाँ उड़ रहे हो हमें,
एक तो ये बेवकूफ आदमी आ जाता है ना बीच में अचानक से, और इन्हें पता भी नहीं होता जाना कहाँ है। ये देख इसे ऐसे रोड क्रॉस कर रहा जैसे गांधी पार्क में घूम रहा होगा। ये देख ये कहाँ से आ रहा। तो भाई लोग आज तो तगड़े स्कैम से बाल बाल बचे हम लोग। इस चीज की तो खुशी मनानी चाहिए मानो भाई तुम्हें, क्योंकि इतने मोटे स्कैम से बचे तुम कि बस तक से छू कर वापस आए। सो भाई लोग जो भी ये स्कैम हुआ है इसके बारे में आप लोगों को अगर जानना है तो आप मेरा कल का व्लॉग देखें। कल के व्लॉग में मैं पूरी डिटेल्ड मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला था, क्या किस तरीके से मैं बचा हूँ। एंड इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं वो क्लिप्स अलग से लगाऊंगा। तो वो क्लिप्स अलग से लगा दूंगा आप लोगों के लिए, एंड आप लोग उस क्लिप्स को देख करके आप लोग समझ जाएंगे काफ़ी हद तक कि मेरे साथ में क्या स्कैम होने वाला था एंड क्या किस तरीके से बचे। अभी मैं कल भी कुछ क्लिप्स उसमें रिकॉर्ड करूंगा तो वो भी आप लोगों को एक साथ डाल दूंगा ताकि आप लोगों को एक रेफरेंस मिल जाए कि किस तरीके से बचा जा सकता है। एक और स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इसके अलावा कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, वो सब मैं आप लोगों को एक अलग से बताऊंगा। तो आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, अभी नॉर्मल मोटिव से जो भी स्कैम हुआ है उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा कल के ब्लॉग में। ओके गाइस, ओके। ओके चलो, ओके बाय, अब आगे व्लॉग में ये कल आएगा। ओके बाय। सो ही वाज सेइंग मैं आऊँगा व्लॉग में, तो मैंने कहा क्यों नहीं आओगे यार। थैंक यू फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट, धीरे धीरे मिलती है हर चीज़। एकदम से मैं चाहता भी नहीं मुझे मिले, बिकॉज एकदम की हासिल बाय, एकदम से हासिल कई हुई चीज़ का मज़ा अलग है और मेहनत से कमाई हुई चीज़ का मज़ा अलग है। तो हो जाए एक बिली, चलो भाई दो मिनट भाई। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं जाखन, एंड हल्की सी एक गेड़ी मार के आते हैं। मन तो वैसे जा कर रहा है कि मसूरी तक चलें, बट इतनी भी ज़्यादा राइडिंग आज करने का कुछ मेरा मोटिव है नहीं। ऑलरेडी मैं 60 किलोमीटर्स के आसपास की राइड कर चुका हूँ, एंड देखते हैं साई मंदिर तक चलते हैं। साई मंदिर से यू टर्न मार के कैना रोड की तरफ से फिर घर चल जाएंगे। वैसे ड्यूक और गोप्रो का एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब एक जो हमें मेरी ऑडियंस है, मेरा ऑडियंस का नीश है, मेरी नीश की जो ऑडियंस है वो मुझे मिल जाती है यूट्यूब से, यूट्यूब के लिए। ये बाइक 100 का पहुंच के पता नहीं लगता इसका।
जाना भाई तुमने तो। सौरभ भैया तो सौरभ भैया का ही है, मतलब सौरभ भैया ना फ्रेंचाइजी दे रखी है देहरादून में, ये बोल रहा हूँ। यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं भाई लोग, एंड यू टर्न लेने के लिए हमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग फैमिली। एंड चलते हैं हम नीचे की तरफ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।